16 सितंबर को देवघर के कपड़ा व्यवसायी और सहकुर्ता पैलेस प्रतिष्ठान के मालिक कृष्ण प्रसाद साह के घर पर देर रात हुई फायरिंग के मामले का पूर्ण रूप से उद्भेदन कर लिया। इस बाबत आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवघर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस के काफी दबाव में आकर 20 सितंबर की रात तकरीबन 3 बजे फायरिंग मामले के मुख्य नामजद अभियुक्त प्रियेश सिंह उर्फ छोटू, ऋषिकेश सिंह उर्फ जीतू और कश्यप सिंह उर्फ गप्पू ने देवघर नगर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। देवघर एसपी के अनुसार फायरिंग मामले के सभी आरोपी या तो गिरफ्तार किए जा चुके हैं या तो आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस ने घटनास्थल यानी सेंट्रल इन और हथियार छिपाने की जगह यानी रामेश्वरम होटल का सीसीटीवी फुटेज भी जब्त किया। पुलिस ने इस मामले में 2 देसी कट्टा, 11 जिंदा गोली, 315 की 8 जिंदा गोली और 2 मोटरसाइकिल जब्त की है। हथियार यूज हुए थे और जो मोटरसाइकिल यूज हुई थी 12 घंटे में हम लोगों ने रिकवर कर ली थी। इसमें 3 शेष अभियुक्त जो मेन थे वो बचे हुए थे, उन्होंने कल पुलिस के सामने सरेंडर किया है और इसमें हम लोग स्पीडी ट्रायल कराकर इसको इनको सजा कराएंगे। और जो हथियार से यूज़ हुआ है, गोलियां चली हैं, वो हथियार भी मिल गया है, मोटरसाइकिल भी मिल गई है और रिकवरी होटल के अंदर, रामेश्वरम होटल के अंदर ही हुई थी। तो इस पर फिर हम लोग ऑर्डर करता हूँ। जिस तरह से ये लोग थाने में सरेंडर किए, इसको क्या माना? ये तीनों का कोई ऐसा क्रिमिनल इतिहास नहीं है, बट ये लोग बड़े लोगों के बेटे हैं जो कि किसी तरह से मुख्य धारा से भटक गए हैं। अविनाश वर्मा के साथ अजीत संतोषी की रिपोर्ट।